You all in this institute, Bharatiya Lok Kala Mandal. This institute was founded by late Padam Shri Devi Lalji Samar in the year 1952 to promote and preserve the folk art of our country. We have a powerful troupe of folk dancers and puppeteers which is very famous for their outstanding performance of folk dances and puppets in India as well as abroad. We will perform our program in two parts. First part of the program will be puppet show and the second part of show will be folk dances. Now we present you Snake with Snake Charmer. How the snake dance on the theme of Snake Charmer. आप सभी महानुभावों का भारतीय लोक कला मंडल में हार्दिक स्वागत करते हैं। इस संस्था की स्थापना पद्मश्री देवीलाल जी सामन ने 1952 में की थी। राजस्थान की लोक कलाओं को पुनर्जीवित करना, संरक्षित करना इस संस्था का उद्देश्य रहा है। संस्था में 20 कलाकारों का दल है जो राजस्थानी लोक नृत्य और कठपुतलियों के कार्यक्रम देश विदेश में प्रस्तुत करता है। यह कार्यक्रम दो भागों में दिखाया जाएगा। सबसे पहले भाग में राजस्थान की कठपुतलियाँ और दूसरे भाग में राजस्थान के पारंपरिक लोक नृत्य। कठपुतलियों में सबसे पहला आइटम प्रस्तुत करने जा रहे हैं सांप और सपेरा। किस तरह सपेरे की बीन पर सांप नृत्य करता है प्रस्तुत कर रहे हैं सांप और सपेरा।
के पेश करेंगे जिस औरत को प्यार करता है वह औरत कभी तो मर्द बन जाती है और कभी औरत तुले जिते से बहु रूपे का तमाशा Thank you.
विजय पेश करेंगे पट्टेबाज तलवारों की लड़ाई। पुराने जमाने में महाराणा प्रताप के सैनिक तलवारों से भालों से तोप से किस तरह लड़ा करते थे वो झलक दिखाने जा रहे हैं। पट्टेबाज तलवारों की लड़ाई साथ में है झांझ मास्टर और ढोल मास्टर।
दिवस का हाथियों का काफिला साथ में है रिंग मास्टर। देखिए किस तरह रिंग मास्टर के इशारे पे हाथी अपना कर्तव्य दिखाएंगे। तो ले जी बेस करने जा रहे हैं हाथियों का काफिला।
जिसे पेश करेंगे तबला सारंगी और नर्तकी। तबला बजाएंगे कठपुतली जगत के जाने माने तबला वादक सारंगी वादक, जिनको तैयार करने में हमारे संस्था को कड़ी मेहनत करनी पड़ी, तब जाके तबला वादक और सारंगी वादक तैयार हुए। सारंगी बजाएंगे हिंदुस्तान के मशहूर सारंगी नवाज जनाब नूर मोहम्मद खान साहिब। लीजिए तबले पर संगत दे रहे हैं जनाब हाफिज अली खान साहिब। लीजिए नोट करेंगे जयपुर के ललिता बाई।
भी आपने पहले भाग में देखा राजस्थान की धगा कब्जे का कहता हूँ, इसलिए दूसरे भाग में देखिए राजस्थान के लोग की राजस्थान के लोग नाचते अब से पहले पेश करेंगे राजस्थान कामड़ जैसे की महिलाएं अपने शरीर के ऊपर 13 प्रकाश से मदीने बांधकर बाबा रामदेव के राजधान में रात रात में नृत्य करती हूँ। 13 मदीने बांधकर ये वादन किया जाता है। इसी गैस से राजस्थान तीन वाणी की 13 का thank you.
कहना ये महिलाएं बाबा रामदेव के मेले में रात भर डेरा का निर्णय करती है। हमारे यहाँ भारतीय लोक कला मंडल में 20 कलाकारों का दल है जो देश विदेश में अपना कार्यक्रम देता है। आप चाहे तो अपने शहर में अपने गाँव में भारतीय लोक कला मंडल के कलाकारों को बुला सकते हैं और उनका कार्यक्रम आप दे सकते हैं। लीजिए पेश करेंगे राजस्थान का एक सामूहिक नृत्य डांस लीला, छोटे डंडों से किया जाता है जिसे हम गुजरात का डांडिया रास कहते हैं और बड़े डंडों से किया जाता है जिसे हम राजस्थान के डांस लीला कहते हैं। और उसके बाद से दिखलाएंगे आपको राजस्थान और गुजरात के सीमाओं पर रहने वाले हवाइयों का भव्य नृत्य। हमारे यहाँ चार प्रकार की भवाई की गई है, मटकों की भवाई, कांच के गिलास की भवाई, बैलगाड़ी के पहिए की भवाई और बांस की भवाई। आज आपको दिखलाएंगे वह है मटकों की भवाई। तो लीजिए पेश करने जा रहे हैं राजस्थान का सामूहिक नृत्य डांग लीला। Thank you.
और गुजरात की सीमाओं में रहने वाले हवाइयों का भवन। ये हवाई कलाकार सबसे पहले अपने सिर के ऊपर एक पंजाबी गिलास रखेंगे। गिलास पे मटका, मटके पे मटका, मटके पे मटका, मटके पे मटका, यानी कितने सारे मटके अपने सर पर रखकर कांच के टुकड़ों के ऊपर चल के दिखाएंगे और रात के तेज किरणों पर चल के दिखाएंगे और लोगों के ऊपर चल के दिखाएंगे। पेश करेंगे राजस्थान और गुजरात की सीमाओं पर रहने वाले हवाई का हवाई नृत्य हवाई कलाकार लोमाराम वैसे हवाई। Thank you.
तुम्हारा। ये भावी कलाकार स्टेज में आएंगे, जरा जोरदार तालियां बजाइए। और एक सूचना सुनिए, अपने मोबाइल का, अपने कैमरे का, अपने सामान का ध्यान रखें, यहाँ भूल के नहीं जाए। आप भूल के जाएंगे तो संस्था ही कोई जिम्मेदारी नहीं। अपने सामान का ध्यान रखिए और इसी के साथ आज का कार्यक्रम यही समाप्त।